आती हूँ, किसान वर्ग से आती हूँ, मिट्टी की बेटी हूँ। बहुत दुख, दर्द और पीड़ा की स्थिति है पूरे हिंदुस्तान के किसान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज, मैं हूँ आपके साथ अदिति। प्रदेश में किसान आंदोलन में किसान नेता बनने की दौड़ तेज होती नजर आ रही है। राजस्थान में तो इस किसान आंदोलन में जाट पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। इससे पहले जहां हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में एनडीए से नाता तोड़ा, तो वहीं अब ओसियां विधायक दिव्या मदेड़ा भी राकेश टिकैत से मिलने पहुंची हैं। जोधपुर के ओसियां से विधायक दिव्या मदेड़ा ने दिल्ली जाकर किसान नेता राकेश टिकैत को समर्थन दिया। रविवार को दिव्या मदेड़ा दिल्ली राकेश टिकैत से मिली और उन्हें समर्थन देने की बात कही। दिव्या ने कहा, मोदी सरकार तानाशाह होकर किसानों का शोषण कर रही है, सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बात माननी चाहिए। दिव्या मदेड़ा के दिल्ली जाकर किसान आंदोलन को समर्थन देने से ये बात साफ होती जा रही है कि दिव्या आने वाले दिनों में किसानों की राजनीति में आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गई है। किसान वर्ग से आती हूँ, मिट्टी की बेटी हूँ। बहुत दुख, दर्द और पीड़ा की स्थिति है पूरे हिंदुस्तान के किसान में। आज एक महीने से भी ऊपर हो गया, किसान बॉर्डर पर जूझ रहा है, किन परिस्थितियों में जूझ रहा है, कितने लोग किसान वहाँ शहीद हो गए इस संघर्ष के अंदर, उनको मैं नमन करती हूँ। दिव्या के दादा परसराम मदेड़ा, जो कि जोधपुर जिले से 9 बार विधानसभा सदस्य चुने गए, खाटी जाट और किसान नेता थे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब दिव्या मदेड़ा उनकी जगह बने रिक्त स्थान को भरने की तैयारी में जुटी है, जिसका असर आगे भी नजर आ सकता है। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन में राजस्व मंत्री और बाड़मेर जिले के बायतू से विधायक हरीश चौधरी भी गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, इस संघर्ष में हर कदम पर साथ खड़े रहने का विश्वास दिलाया। साथ ही उन्होंने युवाओं के साथ किसानों को अपने हाथों से भोजन भी कराया, यानी साफ नजर आया कि वो भी किसानों और युवाओं को रिझाने की कोशिश में जुटे हैं। चौधरी ने टिकैत को समर्थन का भरोसा दिया और कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी नजर आई है।